बताएं सर, विद्यालय में क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महाविद्यालय में इस समय शैक्षिक गतिविधियां अपने पूरे चरम पर हैं। लगभग हमारे सभी कक्षाओं की जो क्लासेस हैं स्टूडेंट्स की, वो चल रही हैं। विद्यार्थी अच्छी संख्या में इस समय क्लासेस में आ रहे हैं और हमारे सभी शिक्षक साथी पूरे उत्साह के साथ बच्चों की कक्षाएँ ले रहे हैं। शीघ्र ही हम लोगों का प्लान ये है कि 15 नवंबर से बच्चों की आंतरिक परीक्षाएँ जो हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसको हम लोग संपन्न कराएंगे। तो 5 दिन तक वो प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद हमारी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर के प्लानिंग है, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ की जो टीम है वो उस पर काम कर रही है। तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। इस समय विश्वविद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिताएँ, जो वार्षिक प्रतियोगिताएँ होती हैं, वो चल रही हैं। और आपको जानकर के यह हर्ष होगा कि महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएँ हैं, वो लगभग सभी प्रतियोगिताओं में, 15 से ज़्यादा तरीके की जो प्रतियोगिताएँ हैं खेलकूदों की, उसमें जो हमारा विद्यालय है वो विश्वविद्यालय स्तर पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरीके से इस समय विश्वविद्यालय में जो पठन पाठन का कार्य है वो बहुत अच्छा चल रहा है। पीजी क्लास की अगर बात की जाए तो पीजी क्लास के जो एडमिशन हैं वो कहाँ तक पूरे हो चुके हैं और कितनी सीट्स हैं लगभग बची हुई? देखिए, पीजी में हमारे यहाँ जो एमकॉम है, तो एमकॉम में एडमिशन्स की प्रक्रिया इस समय चल रही है और वो अपने अंतिम चरण में है, और उसमें हमारे यहाँ 240 सीटें हैं। हमारे यहाँ आर्ट्स में जो है, कई सारे विषयों में हमारे यहाँ पीजी है जिसमें 80-80 सीटें अलग अलग विषयों में हैं, उनमें लगभग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। करीब 8-10% स्थान खाली हैं, तो उन पर भी हमारे जो कन्वीनर्स हैं, शिक्षक हैं, वो अभी एडमिशन कर रहे हैं, तो 1-2 दिन में वो प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी और कक्षाएँ उनकी भी शुरू करा दी गई हैं। अभी जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया था यूनिवर्सिटी का, हालांकि उसका रिजल्ट नहीं आया है, किंतु बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने थर्ड सेमेस्टर की कक्षाएं भी प्रारंभ करा दी हैं, उनके एडमिशन्स की प्रक्रिया इस समय चल रही है।